नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल भिथरे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ YouTube चैनल विशाल एस्ट्रो पर। हम चर्चा कर रहे हैं रतन और उसके रहस्य। पार्ट वन में मैंने आपको 1 से लेकर 12 लगन तक जानकारी दे दी है। कई लोगों के मेरे को क्वेश्चन भी आई हैं कि राशि वाले क्या करेंगे, राशि के अनुसार क्यों नहीं डाल सकते, उसी विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जिनकी जन्म कुंडलियाँ नहीं हैं, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है, तो केवल उनका बचता है नाम। जैसे अब मैं अपनी बात कर लूँ, मेरा नाम विशाल है तो मेरी वृष राशि बन गई, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो मैं इसके अनुसार ही अपने रतन धारण करूँगा। लेकिन जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है उसको अपने लगन के अनुसार ही रतन धारण करने चाहिए। उदाहरण दे देते हैं, एक लड़की है जिसका नाम है पल्लवी, अब उसकी राशि बन जाती है कन्या राशि। कन्या राशि और लगन है मेष, मेष लगन हो गई, कन्या राशि हो गई, एक उदाहरण ये हो गई। तो वह अगर पन्ना धारण कर लेती है तो वह कौन हो गया, छटेश हो गया, तो वह नुकसान कर जाएगा उसको। एक और ज्यादा एग्जांपल ले जा दे देता हूं आपको कि जिसकी कन्या लगन है और वृश्चिक राशि है। अब कन्या लगन वालों के लिए मंगल तीसरे स्थान का भी मालिक है और अष्टम स्थान का भी मालिक है। अब वह व्यक्ति य से नाम है योगेश हो गया, या कोई य से नाम आ गया, तो वो वृश्चिक राशि बन गई। अब वृश्चिक राशि के अनुसार वह अगर मूंगा धारण कर लेता है, किसी ने कह दिया आपकी वृश्चिक राशि है मूंगा डाल लीजिए, लगन वगैरह चेक ही नहीं करेंगे, तो मंगल का रतन मार्केश होता है। मंगल कन्या लगन वालों के लिए मार्केश होता है, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, गुस्सा क्रोध बढ़ने लग जाएगा, बीपी हाई होने लग जाएगा, बार बार शत्रुओं से गिरने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा लोगों से, ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। अब भाई डाला तो बेचारे ने अपने अच्छे के लिए था रतन कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसको उल्टा नुकसान होने लग जाता। फिर वो क्या बोलते हैं, नग वग कुछ नहीं है, इनको उतारो और फेंको। तो वहां ये देखिए, दवाई कभी गलत नहीं होती है, दवाई कभी गलत नहीं होती है। या तो बीमार व्यक्ति अपनी सलाह से दवाई, अपनी मर्जी से कॉम्बिनेशन उठा के खाने लग जाता है, या फिर डॉक्टर की सलाह ही नहीं लेता है। डॉक्टर आपकी पूरी देखेगा, टेस्ट करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बताते हैं। उसी तरीके से जो मैं जनरल नॉलेज देता हूँ, ये देता हूँ आपको आपके ज्ञान के लिए, कि आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, लेकिन आप प्रॉपर अगर अपने रतन वगैरह पता करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाएं, कहीं भी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो उनको दिखाएं। देखिए जिस तरीके से हम ये परवाह नहीं करते हैं कि अब देखिए जो डॉक्टर अच्छा होगा उसके पास टाइम भी कम होगा लोगों के लिए, उसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो कई बार हम झिझकते हैं कि भाई इन्होंने हमसे 500 रुपये या 1000 रुपये फीस ले ली है डॉक्टर साहब ने, लेकिन हमें मेडिसिन तो दी नहीं है, लेकिन उनकी जो लिखी हुई दवाई है वही इतनी बढ़िया होती है कि आप 2-4 दिन में ही ठीक हो जाते हो। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे हम अपनी बात कर दें, मैं सन 2000 से, अगर मेरा आप देखेंगे कहीं तो सन 2000 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 23 साल मेरे को प्रैक्टिस करते हो गए, जिसमें से मैंने 15 साल जो पंजाब में चैनल होते हैं, फास्ट वे चैनल हो गया, विन केबल हो गया, उस पर मैंने अपना 10 से 15 साल मैंने अपना चैनल चलाया है। तो अब ऑनलाइन टाइम आ गया है, यूट्यूब का माध्यम है, तब भी मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, तो मैं बेसिक जानकारी आपको देता ही रहूँगा। और भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप बैक टू बैक देख सकते हो, बहुत पुराने 10 साल पुराने वीडियो, आज से चैनल नहीं है ये मेरा, पहले कम डाला करते थे, अब थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, तो 10-10 साल पुराने, 9-9, 10-10 साल पुराने मेरे वीडियोज़ हैं, फेस में भी बहुत फ़र्क होगा, आप देख सकते हैं, कोई ये कल का चैनल नहीं है। तो आपको मैं जो बेसिक जानकारी है वो दे रहा हूँ इसके अंदर। तो हमेशा रतन जन्म कुंडली के अनुसार ही धारण करने चाहिए, और धारण विधि भी अच्छी होनी चाहिए। धारण विधि के बारे में बात करेंगे हम, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तो यह सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और हमेशा कोशिश करें लगन नवम पंचम इनमें से ही, जो हाउसेस की बात कर रहा हूँ, इनके साथ साथ क्या दशा महादशा चल रही है इन चीज़ों को देखना चाहिए, इनके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है उन चीज़ों को देखना चाहिए। और कोशिश करें जो बेसिक रतन पहले आप धारण करते हैं वह आप अपने लगन का, देखिए लगन मतलब शरीर, अगर आपका शरीर अच्छा होगा,
बढ़िया होगा तो आप हमेशा ही अच्छा काम करने में सक्षम रहेंगे। तो लगन का रत्न जरूर धारण करना चाहिए। और भाग्य अगर आपका अच्छा होगा, भाग्य बढ़िया होगा, तो भाग्य अच्छा होगा तो आप कर्म भी अच्छा कर पाएंगे, मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दो रत्न तो हमेशा धारण करके रखने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आती है दशाएं, महादशाएं, उसके अनुसार भी रत्न धारण किए जाते हैं। तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं रत्नों के बारे में, आज मैंने आपको बताया कि क्यों राशि के अनुसार, कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं सबकी तो नहीं बात कर सकता, राशि के अनुसार रत्न क्यों नहीं धारण करने चाहिए, आज हमने इस टॉपिक पे बात करी है भाग दो में रत्न और उसके रहस्य के बारे में। इन्हीं चर्चाओं को हम और भी एपिसोडों में जारी रखेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कोई अपनी जन्म कुंडलियां दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एस्ट्रो सर्विस का फायदा ले सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।